आज उस एक्ट्रेस का जन्मदिन है जिन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, यानी हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस रेखा की। बॉलीवुड की एवरग्रीन ब्यूटी रेखा का जन्म 10 अक्टूबर 1954 में चेन्नई में हुआ था। रेखा साउथ के मशहूर एक्टर जैमिनी गणेशन की बेटी है। रेखा की माँ पुष्पावल्ली तेलुगु अभिनेत्री थी। बचपन से ही रेखा को फिल्मी माहौल मिला। 1966 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली रेखा का फिल्मी दुनिया का सफ़र काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। रील के साथ उनकी रियल लाइफ में भी कई हादसे हुए। रेखा की माँ पुष्पावली और पिता साउथ के जाने माने स्टार थे और पुष्पावली उनके पिता की तीसरी पत्नी थी। हालांकि कभी भी उनके पेरेंट्स की मैरिड लाइफ ठीक नहीं रही, इस वजह से रेखा को काफ़ी दिक्कतें हुई और वो काफ़ी परेशान रहती थी। रेखा अपनी माँ के साथ अलग रहती थी। जब रेखा 13 साल की थी तो पारिवारिक स्थिति खराब होने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम करना पड़ा। कॉन्वेंट स्कूल में आयरिश ननों से शिक्षा प्राप्त करने के दौरान रेखा के मन में भी नन बनने की इच्छा आई थी। इतना ही नहीं, नन नहीं बन पाने के बाद रेखा हमेशा से दुनिया घूमना चाहती थी और इसी वजह से वो एयर होस्टेस बनने का सपना देखती थी। लेकिन ऊपर वाले ने तो रेखा के हाथ में कुछ और ही रेखा खींच रखी थी। बाद में किस्मत ने उन्हें एक्ट्रेस बना दिया। अपने 50 साल के फिल्मी करियर में 180 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है, इनमें से कुछ फिल्म बी ग्रेड भी रही। रेखा ने अपने करियर की शुरुआत सावन भादो फिल्म से की थी। ये उनकी पहली हिट फिल्म भी थी, मगर प्राण जाए पर वचन न जाए भी एक ऐसी फिल्म थी जिसके कई सीन में रेखा न्यूड नजर आई थी। उस समय उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। फिल्म में एक्सपोज करती रेखा के पोस्टर्स को देख उस समय काफ़ी हंगामा मचा था। आलम यह था कि दर्शक थिएटर में सिर्फ रेखा को देखने के लिए पहुंचे थे। फिल्म में रेखा तवायफ के रोल में नजर आई थी। रेखा के तालाब में नहाने और बिना कपड़ों के बाहर आने के सीन ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर में लंबी लाइन लगी थी। भानु रेखा गणेशन यानी रेखा की ज़िंदगी में लोगों की दिलचस्पी हमेशा से रही है। उनका व्यक्तित्व आज भी उतना ही तिलस्मी है जितना कुछ समय पहले उनके संसद भवन में जाने पर कई सांसदों की नज़रें उन पर ठिटक जाने की एक तस्वीर काफ़ी वायरल हुई थी। विवाद हमेशा उनके इर्द गिर्द रहते हैं, पर उनसे जुड़ी कई ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं उनकी ज़िंदगी से जुड़े कुछ अनछुए पहलू। रेखा के पिताजी ने उनकी माँ से कभी शादी नहीं की। उनकी एक सगी बहन, 5 सौतेली बहनें और एक सौतेला भाई था। सौतेले भाई बहनों की माएँ अलग अलग होने के बावजूद रेखा का उनके साथ रिश्ता काफ़ी मजबूत था। रेखा को घूमना बहुत पसंद था और उन्होंने एयर होस्टेस बनने की भी कोशिश की, पर कम उम्र के चलते उन्हें चुना नहीं गया। एक वक्त ऐसा भी था जब गरीबी के चलते उन्होंने तेलुगु की बी और सी ग्रेड फिल्मों में भी काम करना पड़ा। रेखा के जीवन और करियर में खासियतों की बात करें तो उन्हें डबिंग का शौक है। उन्होंने नीतू सिंह की आवाज़ में फिल्म याराना और स्मिता पाटिल की आवाज़ में फिल्म वारिस में डबिंग की है। रेखा को गाने का भी बहुत शौक है और उन्होंने संगीतकार आरडी बर्मन के कहने पर फिल्म खूबसूरत में 2 गाने भी गुनगुनाए हैं। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।